इस वीडियो में UEE यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के चैप्टर नंबर 1 से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में केवल 30 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। चलते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात को इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम में। तो वैक्यूम में जो प्रकाश होता है उसकी जो चाल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। और बात कर लेते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है या भौतिक कारक है जो हमारे आँखों को देखने की संवेदना व्यक्त करती है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, परंतु उसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, और बात कर लें प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। ओके गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रदीप्ति का अर्थ क्या है। देखिए, प्रदीप्ति का अर्थ है जो वस्तु स्वयं से प्रकाशित हो जाए, जैसे सूरज है या इलेक्ट्रिक बल्ब है जो ऑटोमेटिक क्या है प्रकाशित रोशनी देने लगे, वो प्रदीप्ति वस्तुएं कहलाती हैं। कुछ और ऐसी वस्तु होती हैं जो अदीप्त वस्तुएं होती हैं, जो दूसरे के द्वारा प्रकाशित होती है, जैसे चंद्रमा अदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं, ऊर्जा डैश ऊर्जा का एक रूप है जिसे हम आँखों से देख सकते हैं। कहते हैं कि जो प्रकाश ऊर्जा एक रूप है, ठीक है, जिसे हम आँखों से देख सकते हैं। हालांकि प्रकाश को हम आँखों से देख नहीं सकते, परंतु उसकी उपस्थिति में वस्तु में देख सकते हैं। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, क्या होता है जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और वह उससे गुजर नहीं पाता। तो जाहिर सी बात है कि छाया बनाएगा, शैड बनाएगा। ओके गाइस, अगर मान लेते हैं कि किसी वस्तु में पड़ा और उससे गुजर नहीं पा रहा, तो क्या होगा, कुछ प्रकाश का, ठीक है, क्या होगा कि परावर्तित हो जाता है, प्रकाश परावर्तन हो जाता है। ठीक है, कुछ अगर मान लेते हैं कि गुजर जाता है तो इसे बोलते हैं अपवर्तन। अगर प्रकाश किसी चमकदार तल से टकराती है तब वो उसी दिशा में, जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, दृश्य प्रकाश तरंग दैर्ध्य की सीमा होती है, मतलब दृश्य प्रकाश वेवलेंथ की सीमा होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 0.39 से 0.7799 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण को देखा जा सकता है। अलग किसी प्रकार का नहीं देख सकते आप, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दृश्य प्रकाश की तरंग या वेव लेंथ कितनी होती है, तो उसकी दृश्य प्रकाश की होती है 4×10⁻⁷ से 7×10⁻⁷ मीटर तक। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन का सवाल करते हैं, दृश्य प्रकाश की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो दृश्य प्रकाश की जो फ्रीक्वेंसी होती है 4×10⁻¹⁴ हर्ट्ज से 7×10⁻¹⁴, ठीक है, हर्ट्ज तक। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं, मानव आँख की या नेत्र की संवेदनशीलता अधिकतम होती है कौन सी रोशनी पर। वाइड पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ग्रीन पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लें, मानव
आँख के लिए कौन सा रंग संवेदनशील है? तो हरा रंग संवेदनशील है। नेक्स्ट की बात कर लें, निम्न में से किसकी वेवलेंथ न्यूनतम होती है? तो जिस वेवलेंथ आपकी गामा किरणों की न्यूनतम होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है? तो आपकी जो बीटा रे होती हैं, रेज होती हैं, वो आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, दीप्त स्रोत की दीप्तिमान दक्षता निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर अगला सॉल्व करते हैं 13, दीप्त स्रोत की दीप्तिमान दक्षता निर्भर करती है स्रोत के आकार, स्रोत का तापमान, प्रकाश किरणों की वेवलेंथ या ऊपर के सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, प्रकाश तरंग के वेग से यात्रा करते हैं, किसके तरंग के वेग से? तो प्रकाश 3×10^10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, कार्बन आर्क लैंप सामान्यतः उपयोग किया जाता है। तो कार्बन लैंप जो होता है, आर्क लैंप होता है, मोस्टली आपके सिनेमा प्रोजेक्टर में यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, ठोस कोण की इकाई है, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड एंगल की यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन, ठीक है। ओके गाइस, कैंडला की इकाई है, कैंडला आपका है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता जिसे बोलते हैं हिंदी में। ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई है, तो ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई है, ज्योति फ्लक्स की इकाई है लूमेन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लैंप लगभग एक वर्णीय प्रकाश होता है, देता है? तो आपका सोडियम वेपर लैंप है, सही हो जाएगा ऑप्शन ए। घरों में एल्यूमिनेशन लेवल का रेंज है, तो ऑप्शन नंबर आपका 14 सही हो जाएगा, 100 से 140 लूमेन पर मीटर स्क्वायर। एक फ्लोरोसेंट ट्यूब की ल्यूमिनस एफिशिएंसी है, तो एक ट्यूबलाइट की बात कर लें तो 60 से 65 लूमेन पर वाट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, प्रति वर्ग मीटर एक लूमेन समान है 1 लक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस हाइट रेशियो का मान होता है 1 या 2 के बीच होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन फैक्टर का मान होता है 1 से ज़्यादा 1 से कम, ठीक है। तो आपका रिफ्लेक्शन फैक्टर का मान 1 से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, विद्युत डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? करंट का, ताप प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव, गैस या वाष्प में आयनीकरण, कार्बन इलेक्ट्रोड। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैंप द्वारा दिए गए प्रकाश का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है, नीला हरा होता है, पीला होता है, नीला होता है, तो इसका रंग पीला होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। लूमेन पर वाट की इकाई है लाइट फ्लेक्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ब्राइटनेस, ल्यूमिनस एफिशिएंसी। तो ल्यूमिनस एफिशिएंसी की है इकाई लूमेन पर वाट। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं, फिलामेंट लैंप में कभी कभी किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो आर्गन का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड या क्रिप्टोल का किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, आर्गन या नियान
गैस भरी जाती है। ठीक है, ओके गाइस, कौन सा बल्ब सबसे कम बिजली से चलता है? नाइट बल्ब, नियॉन बल्ब, GLS बल्ब, टॉर्च बल्ब। टॉर्च बल्ब, ओके गाइस, ऑप्शन नंबर 14 चल रहा है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 2000 केल्विन, 2500 केल्विन, 2655 केल्विन, 3655 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर आपका 14 सही हो जाएगा। ओके गाइस, ये आए रहे आपके 30 क्वेश्चन, बाकी के आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। ओके।